दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बॉल स्क्रू के बैकलेस के बारे में। दोस्तों, बॉल स्क्रू जहां भी आपने सुना होगा, बैकलेस भी जरूर सुना होगा, क्योंकि बैकलेस एक ऐसा टर्म है बॉल स्क्रू के। उसमें ये बैकलेस एक ऐसा एरर है जो कि जनरली आता ही है। कहीं भी बॉल स्क्रू आप अगर यूज कर रहे होंगे तो ये एरर आपका, जैसे जैसे बॉल स्क्रू पुराना होता जाएगा, ये एरर आपका जरूर आता है। और इंटरव्यू का हर कोई, अगर बॉल स्क्रू से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यूज में, तो जनरली बैकलेस भी उनमें से एक क्वेश्चन होता है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और मैं जरूर ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा सही से, तो आप जरूर समझ जाएंगे कि बैकलेस बॉल स्क्रू में क्या चीज होती है और इसको चेक कैसे किया जा सकता है, इसकी वैल्यू को कैसे चेक किया जाता है। तो आइए चलते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं बैकलेस क्या होता है, तो दोस्तों बॉल स्क्रू में आपने इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीका का स्ट्रक्चर आप बॉल स्क्रू में देखते हैं, जहां पे हमारा एक होता है बॉल नट, और बॉल नट के अंदर आप देखते होंगे कि इस तरीके से ये बॉल स्क्रू की बॉल्स होती हैं। तो ये बॉल जो होती है वो ग्रुप में चलती हैं, और इस तरीके से एक रिटर्न होके दोबारा से रिटेनर के थ्रू यहाँ पे ये वापस एक सर्कुलेट होती रहती है। तो बैकलेस क्या होता है बॉल स्क्रू में, जैसे कि आपके इस तरीके के ग्रुप, अगर मैं सपोज बनाऊं तो इस तरीके के ग्रुप बने हुए होते हैं। तो इस ग्रुप में ये बॉलें भी होती हैं, इस तरीके से ये बॉल स्क्रू की बॉल्स भी होती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब इन बॉल्स में क्लियरेंस आ जाता है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्लियरेंस डेवलप हो रहा है, जैसे कि ये अगर ट्रैक है इस तरीके से, तो ये हमारी बॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लियरेंस डेवलप हो रहा है, ये क्लियरेंस जो डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो नट होता है, ये अगर नट आप स्पिंडल को, इस शाफ्ट को कांस्टेंट रख के, इसको होल्ड करके, अगर आप इस नट को पुश करते हैं, आप आगे और पीछे पुश करते हैं, तो आपको जो होगा ना मोमेंट दिखाई देगा, इस नट के अंदर आपको मूवमेंट दिखाई देगा। तो जो प्ले, उसी मूवमेंट को हम कहते हैं प्ले। तो जो प्ले जनरेट हो रही है ना दोस्तों, उसी से ये बैकलैश एरर आता है, उसी प्ले को हम कहते हैं बैकलैश। तो आप ये समझ गए होंगे कि बॉल नट के अंदर क्या हो रहा है, हमारी स्पिंडल है, इसको हम बॉल स्क्रू का स्पिंडल कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना, तो मेरी पिछली वीडियो आप बॉल स्क्रू के ऊपर जो मैंने बनाई है, आप उनको जरूर रिफर कीजिएगा। सिमिलरली अगर मैं गियर की बात भी करूं, जैसे कि बॉल स्क्रू में हमने देखा था, वैसे गियर्स में भी आपको इस तरीके से दो गियर की प्रोफाइल है। दो गियर की प्रोफाइल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो टच हो रहा है, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको दोनों प्रोफाइल के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे आपका एक प्ले जनरेट हो रहा है, तो उसी को कहते हैं बैकलैश। तो दोनों में आप समझ गए होंगे कि बॉल स्क्रू के अंदर बैकलैश और गियर्स में दोनों सेम ही है, अगर वो प्ले जनरेट हो रहा है तो वहां पे, तो वही बैकलेस एरर बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वही समझाने जा रहा हूँ आपको, जो मैंने पिछली स्लाइड में बनाया, कि जैसे अगर इस तरीके का ट्रैक है, ये ट्रैक थोड़ा सीधा नहीं बना है, इस तरीके का ट्रैक है, अगर मैं एग्जाम्पल दो देखूँ, अगर ये बॉल बिल्कुल अच्छे से टच है उस ट्रैक में, ये बिल्कुल अच्छे से टच है, सपोज यहाँ पे जिस जैसा ट्रैक है वैसी बॉल है, तो यहाँ पे कोई प्ले नहीं है, तो नो प्ले, नो प्ले तो नो बैकलैश, नो प्ले तो नो बैकलैश। और यहाँ पर अगर प्ले आ गया, सपोज ये यहाँ पे अगर बॉल का साइज छोटा हो गया, बॉल वियर आउट हो गई, तो यहाँ पे प्ले है, तो मोर प्ले या एनी प्ले क्रिएट मोर प्ले मोर बैकलैश। तो इस तरीके से कहानी होती है बैकलैश की। तो अब मैं बताऊंगा कि ये जनरेट कैसे होता है। तो दोस्तों जनरेट कैसे होता है बॉल स्क्रू, जब धीरे धीरे आप देखते होंगे कि ये हमारा बॉल स्क्रू का स्पिंडल है, स्पिंडल में ऐसे ग्रूव होते हैं, और यहाँ पे ये ट्रैक में बॉल्स चलती रहती हैं, इस तरीके से ये ट्रैक में बॉल्स चलती रहती हैं, जो कि ऐसे ट्यूब्स के थ्रू, यहाँ पे हमारी जो ट्यूब्स जुड़ी रहती हैं उसके थ्रू वापस आती हैं। तो इस तरीके से बॉल स्क्रू में ये नट के अंदर ये सब मूवमेंट हो रहा होता है। तो मूवमेंट हो रहा है, अगर आपका बॉल स्क्रू पुराना हो चुका है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वियर एंड टीयर होते रहता है, अगर आपका लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो बॉल स्क्रू में क्या होता है, बॉल्स और जो नट के बीच में एक, जहाँ पे नट का जो प्रोफाइल होता है, और जहाँ पे भी बॉल मतलब कि रोटेट होती है, वहाँ पे आपका धीरे धीरे वियर एंड टीयर होते होते आपका, या तो जो
ट्रैक होता है, जो ट्रैक होता है बॉल स्क्रू के ग्रूव्स जो होते हैं, या तो वो चौड़े हो जाते हैं या आपकी बॉल का साइज कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ही बैकलैश जनरेट होता है। तो दोस्तों पुराना बॉल स्क्रू होगा या आपका नया बॉल स्क्रू है, आपका मेंटेनेंस बेकार है, सपोज आपका लुब्रिकेशन आप प्रॉपरली चेक नहीं कर रहे हैं, या लुब्रिकेशन प्रॉपरली हो नहीं रहा है, या डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो वियर एंड टीयर आपका फास्ट हो जाता है, तो उस वियर एंड टीयर की वजह से ही आपका बैकलैश जनरेट होता है। तो आइए आगे चलते हैं कि इसको चेक कैसे किया जाए। यहाँ पे अगर आप, मैं वीएमसी की बात कर रहा हूँ, तो वीएमसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। तो वीएमसी में क्या होता है, जो हमारा स्पिंडल होता है वो वर्टिकल होता है, तो स्पिंडल वर्टिकल होता है। यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये स्पिंडल ही है, इस तरीके से ये स्पिंडल है, यहाँ पे ये एक्सिस है। अब ये मेरी एक्स एक्सिस है, जो इस तरीके से टेबल जहाँ पे है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने क्या किया है, मैंने डायल स्टैंड को रख दिया टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर मैंने डायल स्टैंड को रख दिया, और डायल को कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे मैंने लगाया है वाई एक्स, मतलब कि ये एक्सिस एक्सिस है, तो सपोज ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने, वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे हाई पॉइंट लेके मैंने डायल को टच करा दिया, यहाँ पे डायल को देखिए टच करा दिया है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे तो हम डायल की सेटिंग कर लेंगे, डायल स्टैंड को रख देंगे नीचे टेबल के ऊपर, और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे मैंने डायल को लगा दिया है स्पिंडल के ऊपर, तो स्पिंडल फिक्स है। हमें क्या करना है, बॉल्स को मेजर, अभी हम बैकलैश जो मेजर कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस का मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक्स एक्सिस के बैकलैश को कैसे चेक किया जाए। तो हमारा जो, ऐसे कि स्पिंडल हमारा कॉन्स्टेंट है, अब हमें क्या करना है कि जो टेबल को है एक्स एक्सिस में मूवमेंट देना है। सपोज मैंने एक्स एक्सिस में इसको दिया प्लस 10 mm मूवमेंट, ठीक है। अभी प्लस 10 mm हमने एक्स एक्सिस में दिया, तो माइनस 10 mm फिर हम दोबारा लेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने डायल को क्या, ये डायल अगर सपोज है, डायल में आपको ऐसे कुछ रहता है ना, जीरो, यहाँ पे 10 micron, सपोज 20 micron, 30 micron, इधर नेगेटिव में आ जाएगा 10 micron, 20, 30, इस तरीके से होता है ना। तो मैंने अभी जो डायल सेट किया है, सपोज 10, मतलब मैंने 0 पे सेट किया हुआ डायल को, तो यहाँ पे मैंने 0 पे सेट कर दिया है यहाँ इनिशियली पॉइंट पे, और मैंने सपोज छोटे डायल्स में आपको प्रेशर होता है, सपोज यहाँ पे 2 micron, मतलब कुछ इस तरीके से प्रेशर आपकी जो रीडिंग लिखी रहती है 2, 4, 6, तो इस तरीके से आपने प्रेशर दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हमने फिर क्या किया, एक्स को 10 mm मूवमेंट किया, 10 mm प्लस में मूवमेंट किया, अब 10 mm माइनस में मूवमेंट करेंगे वहीं से, मतलब कि एक प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, 10 mm प्लस मूवमेंट कर लिया एक्स को, फिर उसी पॉइंट से, जैसे यहाँ इस पॉइंट से हम यहाँ पर पहुँच गए 10 mm प्लस से, तो फिर हमने यहाँ से क्या किया, माइनस 10 mm मूव किया। तो माइनस 10 mm मूव करने पर क्या होगा, डायल फिर से 0 पे आना चाहिए, फिर से 0 पे आना चाहिए ना डायल। बट अगर आपके बॉल स्क्रू में बैकलेस है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, बैकलेस बराबर अमाउंट का, बैकलेस बराबर अमाउंट का, मतलब कि जितना बैकलेस होगा उतने ही अमाउंट का आपको डिफरेंस इसमें दिखाई देगा। सपोज ये 10 mm मूवमेंट करा आपने, तो रीडिंग थी डायल की 0 पे थी, 0 micron पे आपने सेट की थी, और अगर माइनस 10 mm आने पे सपोज आपकी जो रीडिंग आ रही है वो माइनस 20 आ रही है, मतलब कि आपका जितना मूवमेंट, जितना मतलब कि वहाँ पे जहाँ तक आना था वहाँ पे आपका उससे ये 20 micron कम आया है। तो जो ये अंतर आया ना दोस्तों, ये अंतर को ही हम कहते हैं बैकलैश, मतलब कि जितना आगे पीछे, अगर मैंने जितना मूवमेंट प्लस में करा उतना माइनस में करवाया, तो डायल अपनी जगह पे आ गया, तो बैकलैश 0 है। अगर जितना भी वो कम आया, वो कम अमाउंट ही होता है बैकलैश। सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में भी चेक कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, डायलिंग की जो पोजीशन है हमें चेंज कर देनी है, हमें जो अब डायल को जो लगाना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लगाना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम हाई पॉइंट लेंगे और डायल को सेट कर देंगे स्पिंडल के ऊपर। तो स्पिंडल के ऊपर सेट करेंगे, फिर वैसे ही हम वाई एक्सिस में इसको ट्रैवल करेंगे, वैसे सेम हम कर सकते हैं 10 mm, 8 mm, 5 mm, जितना आपको मूवमेंट करना है आप उतना कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जितना आप प्लस में मूवमेंट करेंगे उतना ही माइनस में करेंगे, मतलब कि यहाँ से अगर प्लस 5 ले रहे हैं, डायल को 0 पे सेट किया हुआ है, वहीं से फिर आप माइनस 5 लेंगे और रीडिंग देखेंगे डायल पे। अगर डायल की रीडिंग में जो भी, अगर सपोज 20 micron का फर्क है तो बैकलेस हो जाएगा 20 micron,
अगर 40 माइक्रोन का फर्क है तो बैकलेस हो जाएगा 40 माइक्रोन, अगर 60 माइक्रोन का फर्क है तो बैकलेस हो जाएगा 60 माइक्रोन। तो इस तरीके से हमारा बैकलेस चेक हो सकता है किसी भी बॉल स्क्रू। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से आप समझ गए होंगे कि बैकलेस होता क्या है, इसको मेजर कैसे किया जा सकता है।